अब हम उस स्टेट पर आ रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जब हमारे ये जो दोनों साइड्स हैं, हमारे अंदर जो दोनों मैस्कुलिन पार्ट है और फेमिनिन पार्ट है, वो परफेक्ट बैलेंस में हो। कि माँ के गर्भ में आप आते हैं जब आपके दोनों पेरेंट्स इंटरकोर्स के दौरान उनकी ब्रेथ के थ्रू आप एक माँ के गर्भ में जाते हैं और वहाँ पर फॉर्म के साथ यूनाइट करते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े डिजास्टर्स आते हैं, सुनामी आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वो जिस इंसान को उस पॉइंट पर, जिसके थॉट्स मैच करते हैं, वो उस पॉइंट पर, उस जगह पर होगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है पीएमसी हिंदी के परिवर्तन श्रृंखला में। तो फ्रेंड्स, हम इस श्रृंखला में थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी हम दूर आ गए हैं अपनी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग से, और यही फ्रेंड्स ग्रोथ होती है कि आपको जितनी नॉलेज थी, आप उससे कुछ कदम आगे बढ़ें। और थिंकिंग एंड डेस्टिनी कुछ कदम आगे नहीं है, ये तो एक लीप है, एक जंप है, क्वांटम शिफ्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी कॉन्शियसनेस में, अगर आप थिंकिंग एंड डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट्स को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, या केवल जान भी जाते हैं कि कुछ ऐसा है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को सुनकर बहुत वाकफियत हो, ऐसा लगे कि हाँ ये तो मुझे मालूम ही है, हाँ मुझे तो इस बात का आइडिया ही है। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत नई नई बातें हैं जो आपको, आपके जो स्पिरिचुअल बाउंड्रीज है ना, जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज होती हैं, उसको पुश करता है, आगे और आगे बढ़ जाते हैं आप, कई नॉचेस आगे बढ़ते हैं आप। तो थिंकिंग एंड डेस्टिनी इतनी ज़बरदस्त बुक है। फ्रेंड्स, हम साइकिक डेस्टिनी के बारे में बात की, हमने मेंटल डेस्टिनी के बारे में बात करी, फिजिकल डेस्टिनी के बारे में बात करी। मैंने सोचा कि आपके साथ इस एपिसोड में मैं एक काइंड ऑफ रीकैप ले लूं। हमने बहुत अपना आगे तक सफ़र लिया है फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूरी है कि हम जो और आगे कदम बढ़ाएंगे, वो तभी बढ़ पाएंगे, आगे की समझ हमको और बेहतर आएगी जब हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करें। तो आज के एपिसोड में, आज के इस एपिसोड में मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपके साथ एक काइंड ऑफ रीकैप लूँगी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, इस किताब में, ये 1000 पेजेस की बुक है और ये बहुत डेंस बुक है, इसमें बहुत अमेजिंग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आप तक पहुँचाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकता है रह भी गए हों, लेकिन एक ओवरऑल सेंस आपको अगर मिल जाती है तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, एक बार दोबारा रिविजिट करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस ग्रेट मास्टर का जिसने हमारे तक ये वैल्यूएबल नॉलेज पहुंचाई। हमारी पात्रता, हम इस समय में फ्रेंड्स शायद रेडी होंगे, जो इतनी हाई लेवल की स्पिरिचुअल नॉलेज हम तक पहुँच रही है, इतनी आसान भाषा में, इतने आसान शब्दों में, इतने आसान एग्जाम्पल्स के साथ, शायद हम सब रेडी हैं इस समय में कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को सुन पाएँ, समझ पाएँ और इन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। फ्रेंड्स, ये भी हमको बात शायद हमें याद होगी बात की, पर्सिवल सर को कोई करीबन 30 साल के करीब लगे थे, शायद उससे भी ज़्यादा, थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक को लिखने में। और लिखा उन्होंने कैसे इस किताब को फ्रेंड्स, आइए दोबारा इस चीज़ को रिविजिट करते हैं। उन्हें ये, वो कहते हैं ये कोई चैनल्ड बुक नहीं है, वो कहते हैं कि वो एक डायरेक्ट लाइट ऑफ इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट करें, एक डायरेक्ट लाइट से उनको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक उनकी शायद एक अंदर की नोइंगनेस है, प्लस उनको एक कोई लाइट ऑफ इंटेलिजेंस उनके अंदर बहुत प्रज्वलित है। हमारे अंदर भी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है, डिफ्यूज्ड है, और वो भी और भी ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाते हैं जब हम उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, या हम बाकी बेकार के थॉट्स में पड़े रहते हैं, मेडिटेट नहीं करते, वो और भी ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाती है। सोचिए, अगर आपकी बिल्कुल लाइट ऑफ इंटेलिजेंस की एक डायरेक्ट बीम किसी चीज़ पर पड़े, किसी कॉन्सेप्ट पर पड़े, तो उसके बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। और इन्होंने ये बुक, ये भी कहते हैं कि मैं इस बुक को साथ साथ लिख नहीं सकता,
तो इनको एक एक पर्सन ने हेल्प करी, एक इटालियन ने हेल्प करी जिस इस बुक को लिखने में। और सोचिए ये भी कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो व्यक्ति 30 साल तक इनके साथ लगा रहा। सो इन दोनों ग्रेट मास्टर्स को नमन, हमारे ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को शत शत नमन कि उन्होंने इस खजाने को, स्पिरिचुअलिटी के इस हीरे को हमारे को पहुंचाया। हम जानते भी नहीं होंगे फ्रेंड्स इस किताब के बारे में, थिंकिंग एंड डेस्टिनी के बारे में। आप में से कितने लोग इतने भाग्यशाली रहे होंगे कि आपने इस किताब के बारे में सुना होगा। मैं तो नहीं थी फ्रेंड्स। मैं पत्री सर के बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं सभी मास्टर्स की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक माध्यम बनाया इस ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को आप सबके साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच डियर मास्टर्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप सब इस नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हुए। अब फ्रेंड्स हम ये भी बात याद रखें कि हैरल्ड पर्सिवल सर भगवद गीता को बहुत मानते थे, कि हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जो डायमंड दिया है स्पिरिचुअलिटी का, डायमंड अनपैरेलल्ड, उसके जैसा कुछ और नहीं, वो भगवद गीता है। तो फ्रेंड्स, और भगवद गीता पे भी पत्री सर ने भी हमको एक बुक दी है जिसमें कि उन्होंने कुछ श्लोकास को बहुत आसान भाषा में, देखिए संस्कृत से हमको डर लगता है लेकिन वो संस्कृत को भी जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, माय गुडनेस, इतना आसान कर दिया उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को, उस संस्कृत को समझने के लिए। हम बहुत नतमस्तक हैं इन ग्रेट मास्टर्स के। फ्रेंड्स, थिंकिंग एंड डेस्टिनी का नाम पहले था द लॉ ऑफ थॉट। बार बार हम देखिए इस बुक में थॉट पर बहुत एम्फेसिस है। तो ये हमने कई अपने पिछले एपिसोड्स में देखा कि आपकी थॉट कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी पावरफुल है। तो पहले नाम था लॉ ऑफ थॉट, लेकिन उसके बाद पर्सिवल सर ने इस नाम को चेंज करके थिंकिंग एंड डेस्टिनी रख दिया। और हर नाम की अपनी वाइब्रेशन होती है डियर फ्रेंड्स, हर किताब की अपनी वाइब्रेशन होती है। और क्या 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 हमने कॉन्सेप्ट्स में बात करी इस बुक में। हमने जाना कि हम दिखते एक हैं लेकिन जो हमारे अंदर, हम तीन पोर्शंस के बने हुए हैं। और वो क्या तीन पोर्शंस हैं फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे अब तक, तो नोअर, थिंकर एंड डूअर। सब कुछ जानने वाला, सोच विचार करने वाला, करने वाला, करता। और ये जो डूअर है फ्रेंड्स, ये आपके शरीर में आता है। कितना डूअर आ सकता है आपके शरीर में? आपके शरीर में सिर्फ 1/12 पोर्शन आ सकता है डूअर का, क्योंकि अभी हमने अपने फिजिकल बॉडी को इतना अच्छे से डेवलप नहीं किया कि उसके अंदर हमारा डूअर भी आ सके, नोअर भी आ सके और थिंकर भी आ सके, या पूरा डूअर भी आ सके। इतना हमने अभी तक इवॉल्व नहीं हुए, इतना हमने अपनी बॉडीज पर काम नहीं किया, इतना हमने अपने विचारों पर काम नहीं किया। तो केवल एक पोर्शन डूअर का, 12 में से, टोटल 12 पोर्शन है, उनमें से केवल एक पोर्शन आपके शरीर में आता है। ये फ्रेंड्स, ये डूअर क्यों आता है ना, इसको बार बार आने की क्या ज़रूरत है? क्यों पुनर्जन्म लेता है? क्या कारण है, क्या क्या रीज़न है कि हमको बस ये ज़्यादातर आप धार्मिक और स्पिरिचुअल भी अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो यही है कि हाँ, आपको उस पर ब्रह्म के साथ एक हो जाना है। लेकिन आपको फिर भी लगेगा कि उससे क्या होगा, ये पर्सिवल सर इस बुक में बोलते हैं, उससे भी क्या हो जाएगा। तो इस बुक, ये बुक हमको कैटेगोरिकली बताती है कि जो हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, हर डूअर का, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पर हो चाहे ना हो, हर कोई अपनी अपनी जर्नी पर है फ्रेंड्स। कोई कुछ कदम आगे, कोई कुछ कदम पीछे, और हमको किसी की जर्नी को जज नहीं करना। लेकिन जो आपका डूअर है उसका अल्टीमेट एम क्या है, कि वो अपनी फीलिंग और डिज़ायर को बैलेंस करें। ये वही डूअर्स हैं जो एक समय में पैराडाइज में रहते थे, रेलम ऑफ परमानेंस में रहते थे, लेकिन क्योंकि अपने आपको बैलेंस नहीं कर पाए, अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग को और अपने डिज़ायर को, इनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। और तब तक लेना पड़ेगा, बार बार लेना पड़ेगा, जब तक कि आप अपनी फीलिंग और अपनी डिज़ायर को बैलेंस नहीं कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, हम आजकल बहुत सारे वर्कशॉप्स में भी आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, अर्धनारेश्वर का, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के बैलेंस का, ये वही चीज़ है।
अब हम उस स्टेट पर आ रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जब हमारी ये जो दोनों साइड्स हैं, हमारे अंदर जो दोनों मैस्कुलिन पार्ट है और फेमिनिन पार्ट है, वो परफेक्ट बैलेंस में होंगे, हमारी फीलिंग और डिज़ायर परफेक्ट बैलेंस में होंगे। और ये एक सेलिब्रेशन का समय होगा, ना सिर्फ हमारे लिए अपितु पूरे पूरे पृथ्वी के लिए, अपितु पूरे यूनिवर्स के लिए। तो ये फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम तीन पार्ट्स हैं, और हमने ये भी जाना कि हर पार्ट की अपना अपना एटमॉस्फियर है। तो आपका एक फिजिकल एटमॉस्फियर है, वो दिखाई नहीं देता डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो है। तो आप एक इनविजिबल सी में हैं, जैसे कि आपको दिखाई नहीं देती वो सी, लेकिन आप उस सी में हैं। आपका फिजिकल एटमॉस्फियर है, आपका मेंटल एटमॉस्फियर है, आपका फिजिकल एटमॉस्फेयर, मेंटल एटमॉस्फेयर है, आपका नोएटिक एटमॉस्फेयर है, आपके आपका साइकिक एटमॉस्फेयर है, आपके चार तरह के एटमॉस्फेयर्स हैं। और ये मत सोचिए कि एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग अलग हैं, सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस डायलॉग में हैं। और सिमिलरली आपका यही जो आपकी चार बॉडीज भी हैं, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी साइकिक बॉडी है, आपकी मेंटल बॉडी है, आपकी नोएटिक बॉडी है, चार सेंसेस भी हैं आपकी। देखिए, चार नंबर का बहुत रेलेवेंस है पर्सिवल सर की बुक में, बार बार आता है कि चार बॉडीज़ हैं, चार सेंसेस हैं, चार एटमॉस्फेयर्स हैं, चार ही अर्थ हैं, जहाँ से कि हम फोर्थ अर्थ में हैं इस समय, और इस समय हमारा फोर्थ सिविलाइजेशन चल रही है। सो देखिए, 4444, सो मैनी एंजल्स टुगेदर, एंजल नंबर। अब फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने। देखिए, हमने ये सब बात कर लिया कि बहुत हमारी अर्थ बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी। जो हम रैगली कैप शुरू करें, वो हम शुरू करते हैं कि हम अपनी माँ के गर्भ में कैसे आए। आपकी माँ के गर्भ में आप आते हैं जब आपके दोनों पेरेंट्स इंटरकोर्स के दौरान उनकी ब्रेथ के थ्रू आप एक माँ के गर्भ में जाते हैं और वहाँ पर फॉर्म के साथ यूनाइट करते हैं। तो ये बन जाती है आपकी ब्रेथ फॉर्म। और इस जो जो बच्चा गर्भ में आया है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस रहते हैं। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले की इन्फ्लुएंसेस। देखिए, आपने कभी कभी सुना होगा कि माँ का कुछ कुछ खाने का मन करता है, माँ को गुस्सा आ रहा होता है, माँ को रोना आ रहा होता है जो माँ बनने वाली है। तो ये मूड स्विंग्स कहाँ से आ जाते हैं, ये कुछ कुछ खाने के डिज़ायर्स कहाँ से आ जाती हैं, कुछ कुछ पढ़ने के डिज़ायर्स कहाँ से आ जाती हैं, ये होती हैं फ्रेंड्स वो बच्चा जो अपना खुद का साइकिक एटमॉस्फियर लेके आया है। बच्चे की ब्रेथ और माँ का ब्रेथ, बच्चे का साइकिक एटमॉस्फेयर और माँ का साइकिक एटमॉस्फेयर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। तो माँ का मन करता है मीठा खाना है, चाहे वो ज़िंदगी में कभी मीठा ना खाती हो। और मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ फ्रेंड्स, मुझे इस पीरियड में बनानास खाने का बहुत शौक हो गया था। मेरा कभी भी बनाना फेवरेट फ्रूट नहीं रहा था, मैं नहीं खाती थी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने इतने सारे बनानास खाना शुरू करते थे, 5-6 बनानास। तो ये कहाँ से आई ये डिज़ायर, ये ऑफ कोर्स उस आने वाली सोल का इन्फ्लुएंस है। अब ये बच्चा जो है, ये अपना इन्फ्लुएंस, अपना पहले बच्चे की आप जानते हैं फ्रेंड्स, गर्भ में सबसे पहले जो भी चीज़ फिजिकल में मैनिफेस्ट होती है, वो पहले कहाँ पर मैनिफेस्ट होती है, पहले वो एस्ट्रल प्लेन में मैनिफेस्ट होती है। तो एस्ट्रली बच्चे की बॉडी रेडी होती है। कौन करता है बच्चे की बॉडी रेडी, किस तरह से करते हैं बच्चे की बॉडी रेडी? बच्चे की बॉडी बनाते हैं एलिमेंटल्स। एलिमेंटल्स हमने जाना फ्रेंड्स, हमने जाना कि एलिमेंटल्स फायर एलिमेंटल्स होते हैं, जो हम जो समझते हैं, जो हमारी जो सृष्टि बनी हुई है उन पंच तत्वों से, वही फाइव एलिमेंटल्स हैं आपके। फायर एलिमेंटल्स हैं, अर्थ एलिमेंटल्स हैं, तो इस तरह से आपके एयर एलिमेंटल्स हैं, वाटर एलिमेंटल्स हैं। तो ये जो आपके एलिमेंटल्स हैं, ये मिलकर उस बच्चे की बॉडी बनाते हैं। किस तरह से, कैसी बॉडी को शेप देते हैं वो? देखिए, बेसिक जो शेप है बॉडी की, वो तो बहुत पहले मास्टर्स ने, उसके ओरिजिनल जो पहले के जो रेलम ऑफ परमानेंस में थे, जो ग्रेट मास्टर्स थे, उन्होंने बेसिक फॉर्म्स तो तभी आ गई थी, वो फॉर्म सबसे अब तक चेंज नहीं हुई है। लेकिन क्या चेंज हो जाता है, उसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। तो ये जो बच्चा है, ये इसकी फॉर्म एलिमेंटल्स बनाते हैं, और 9 मंथ्स ये बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है। बड़े मज़े की बात है फ्रेंड्स, कि हमने हमेशा से ये सुना था कि जो गर्भधारण का पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, ये बच्चे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। ऐसे मैंने बहुत पंडितों को बोलते हुए सुना है कि ये तो बच्चे के लिए नर्क होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है।
बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात ये लगी जब मैंने चाइनीज़ फिलोसफी में चाइनीज़ पर्सपेक्टिव देखा। एंशियंट चाइनीज़ मेडिसिन कहती है कि जो माँ का गर्भ होता है वो बच्चे के लिए पैलेस की तरह होता है, एक महल की तरह होता है। वो बच्चे के गर्भ, बच्चे के जो वूम्ब को, जो माँ का गर्भ है उसको बोलते हैं द पैलेस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का महल, जहाँ पर बच्चे को सब कुछ प्रोवाइडेड है। बच्चा कितनी ज़बरदस्त वननेस में जी रहा है, आप सोचिए फ्रेंड्स। हम उसके बाद ये होता है जब वो बच्चे जब का बर्थ हो जाता है तो वो एकदम से सेपरेट हो जाता है अपनी मदर से, तो उसको एक झटका लगता है। लेकिन जब वो अपनी माँ के गर्भ में है तो वो बिल्कुल वननेस में रह रहा है, मदर और चाइल्ड एक टोटल वननेस में रहते हैं और उनका ऑरा, एक माँ, एक गर्भवती महिला का ऑरा बहुत खूबसूरत होता है। तो ये बच्चा 9 महीने बिताता है और अपनी अपनी पूरी इन्फ्लुएंसेस लेकर आता है। इस दौरान फ्रेंड्स, जब एक प्रेगनेंसी का पीरियड होता है तब माँ बहुत साइकिक हो जाती है। हम जानते हैं कि एक फिजिकल प्लेन होता है और उसके ऊपर एक फॉर्म प्लेन होता है। माँ पे फॉर्म प्लेन के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आने लग जाते हैं, माँ बहुत साइकिक हो जाती है। तो इस पीरियड में उसको अपनी थॉट्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अब माँ ने, माँ जो है, माता और पिता दोनों इस बच्चे को वेलकम करते हैं दुनिया में और ये बच्चा अपनी डेस्टिनी लेकर आया है फ्रेंड्स। अब ये बच्चे की जो थॉट्स थी पिछले जन्म की, देखिए आपके सब जन्मों के थॉट्स एक साथ आ जाती हैं, है ना। आप ऐसा नहीं करते कि जब लास्ट जन्म खत्म हो तो छुटकारा हो गया, बिल्कुल नहीं। आपकी थॉट्स किसी प्लेन में होती हैं और वेट करती हैं कि आप कब, आप कब एक बॉडी लोगे और वो आपके साथ आ जाए। तो ये बच्चा अपनी डेस्टिनी काफ़ी हद तक पहले के भी कर्मों से लाया है। उसने अपनी इन बिटवीन लाइफ में भी जो थॉट्स रखी हैं, जो प्रीवियस लाइफ में उसने थॉट्स रखी हैं, उससे उसने अपने आप को, अपने इन प्रेजेंट को क्रिएट किया है। तो ये जो है, इसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं ये सब, तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं, जिनका, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत गिफ्टेड होते हैं। अब देखिए, एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था ग्रीस में। अगर आप, हमको ये लगता है ना कि माँ पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है बच्चे को, कि माँ की ही वजह से बच्चे के सारा अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार आते हैं, तो ऐसा कुछ हद तक ही सही है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि वो जो बच्चा आता है वो अपना, उसका अपना एजेंडा है, उसका अपना पर्पस है। वो खालिल जिब्रान ने बोला है ना, लेट योर चिल्ड्रन कम थ्रू यू, दे डोंट कम फ्रॉम यू। वो केवल आप, देखिए पूरी सृष्टि में अगर हम ये बात समझ लें कि हम केवल एक निमित्त मात्र हैं, वी आर जस्ट अ चैनल, तो हमारे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी जब आप थोड़ा सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ध्यान का, ध्यान यात्रा को निग्लेक्ट करेंगे, अपने स्वाध्याय को निग्लेक्ट करेंगे, सज्जन सांगत्य को निग्लेक्ट करेंगे, वो नहीं है मतलब। मतलब ये है कि हर उस सोल का अपना भी एजेंडा रहता है। तो ये सोल आ गई और इसने इस जो जिस बच्चे का पहले से उसने ऐसे कर्मास, उसके, उसका जो पीछे का जो थॉट्स रहे हैं वो रहे हैं, उसको एलिमेंटल्स सपोर्ट करते हैं। तो अगर किसी का मनी, अर्थ एलिमेंटल बहुत स्ट्रांग है उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग, तो उसको जिस चीज़ को हाथ लगाएगा उसमें उसको पैसा ही पैसा मिलेगा। किसी का एयर, फायर एलिमेंटल स्ट्रांग है, किसी का एयर एलिमेंटल स्ट्रांग है, एयर एलिमेंटल स्ट्रांग है तो आप का एक तो आप बहुत किसी जगह पर टिकना नहीं पसंद करेंगे और आप अच्छे डांसर होंगे, अच्छे जो बॉडी मूवमेंट्स जो होती हैं जिनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, ऐसा लगता है कि आप उड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरह से ये बच्चा अपना पूरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन लेकर आया है और वो ये भी जानती है, वो जो इनकमिंग डूअर आया है वो ये भी जानता है कि वो क्यों आया है। आप हो सकता है कॉन्शियस लेवल पर ना जानते हो, लेकिन वो जो सोल है, जो अंदर जो आई है, जो आत्मा है, वो जानती है कि उसको क्या लर्निंग करनी है। कभी कभी हम इतने मस्त हो जाते हैं अर्थली लाइफ में, हम बहुत सेंस बाउंड हैं। अगर आप अपने सेंसेस के ही गुलाम बन के रहते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या, कहाँ सोना है, इन्हीं सब चीज़ों में अगर आप फंस कर रह जाते हैं तो वो आप अपना जन्म, आप जो कर सकते थे वो आप नहीं करके जाते उसमें। लेकिन आप जब जानते हैं कि आपको सेल्फ नॉलेज की तरफ आपको मूव करना है, अपना, आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव ये भी है फ्रेंड्स, अपने बारे में जानना, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ,
मेरा क्या पर्पस है, ये लाइफ कब शुरू होती है, कब अंत होती है, क्या मैं उससे पहले था, क्या मैं उसके बाद भी रहूँगा। तो ये सब जो क्वेरीज में जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप लाइफ का रियल पर्पस, लाइफ का रियल पर्पस है फ्रेंड्स अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज। तो ये पर्पस है हमारी लाइफ का। केवल धन अर्जित करना, तो मतलब धन आपको चाहिए, मनी है, एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, मनी गॉड्स भी होते हैं। मैंने आपको जब गॉड्स के बारे में बताया था कि गॉड्स जो हैं वो आप ही की वर्शिप से इतने पावरफुल होते हैं, वो आप ही के थ्रू लाइट ऑफ इंटेलिजेंस को लेते हैं, वो आप उनके बारे में जिस गॉड के बारे में आप जितना सोचेंगे, जिसकी जितनी स्तुति करेंगे, उतना वो गॉड पावरफुल होता जाएगा। और वो आप उसको स्तुति कर कीजिए, वो खुश हो गया, वो आपको खुश करेगा, आपको गिफ्ट्स देके जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिलसिला एक पॉइंट तक ही चलता है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि हमारी लाइफ का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, तो आप इन सब चक्रों में ज़्यादा नहीं पड़ते। हाँ, आप हर चीज़ को रिस्पेक्टफुली यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टफुली डील करते हैं, जैसे मनी को भी आप बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, आप पिरामिड बनाते हैं, ध्यान प्रचार में यूज़ करते हैं, तो वो आप एक सही यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो हमारे मनी गॉड्स हैं, जो गॉड्स हैं, ये हमारे ही लाइट ऑफ इंटेलिजेंस से इतने पावरफुल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस हमारे पास एक अल्टीमेट गिफ्ट है। मतलब कि हम जानते भी नहीं कि हम कितने बड़े खजाने के मालिक हैं। तो लाइट ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो आप देखिए, आपने ये सुना है कभी कि आपको लगता कि सिर्फ आपके पास ही लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है? देखिए, आपको लगता होगा कि नहीं, डॉग्स के पास भी तो है, वो तो ह्यूमंस की बात भी समझ जाते हैं। तो ये बात जान लीजिए फ्रेंड्स कि इस सृष्टि में, इस अर्थ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है। प्लांट्स एंड एनिमल्स भी जो समय से खिलते हैं और समय से मुरझा जाते हैं, वो भी आपकी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के द्वारा किए हैं। और जो आपको एनिमल्स लगते हैं जिनको आपकी बात समझ आ जाती है, ऐसा लगता होगा कि नहीं, डॉग्स के पास तो सिक्स सेंस है, फ्रेंड्स ये सब एनिमल्स के पास जो सेंसेस हैं, ये एलिमेंटल सेंसेस हैं। सूंघने की बहुत तेज शक्ति, ये भी हमारे एलिमेंटल है, ये हमारा एक हमारी जो स्मेलिंग की कैपेसिटी है, ये हमारे एलिमेंटल है। तो उनका एलिमेंटल ये बहुत स्ट्रांग है। देखने की बहुत ज़बरदस्त शक्ति, ये भी एलिमेंटल शक्ति है। तो डॉग्स के लेकिन कैसे, उसको कैसे समझ आ जाता है कि उसका मास्टर क्या क्या बोल रहा है? परहैप्स डॉग्स आपकी जो लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है उसके बहुत करीब होते हैं, तो इस वजह से उनको आपकी बात कुछ कुछ समझ आ जाती है। और फ्रेंड्स, हम ये भी जानते हैं कि ये जो डॉग्स हैं, आपके जो पेट एनिमल्स हैं, वो जिनको आपने प्यार दिया है, जिनको आपसे अब डर नहीं है, वो अपना नेक्स्ट लाइफ टाइम, आप जानते हैं कि वो एक ह्यूमन बर्थ लेते हैं। तो ये इनका लाइफ लास्ट स्टेजेस होते हैं, जब ये एक मनुष्य का प्यार पा लेते हैं, मनुष्य से का डर से हट जाते हैं। तो ये इस स्टेज पर ये इसके बाद ये ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हमने देखा कि अच्छा, ये बेबी हो गया, उसकी अपनी डेस्टिनी है, और उसकी जो और भी जो डेस्टिनी, वो बना किससे रहा है? वो बना रहा है अपनी थॉट्स से। और थॉट, हम जानते हैं कि हर थॉट का अपना एम होता है, अपना डिज़ाइन होता है, अपना बैलेंसिंग फैक्टर होता है। आप उस थॉट, एक बार तो बोलते हैं ना, तीर कमान से निकल गया, तो वही केस आपकी थॉट का भी है कि अब ये तीर घूमता रहेगा, इनविजिबल रहेगा कुछ समय तक, लेकिन कुछ समय बाद ये तीर प्रकट होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम एक्सटीरियराइज होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक्सटीरियराइजेशन के लिए रेडी है। और अब ये आपको क्या है, अब देखिए, आप मान लीजिए आपने आपने आपका लास्ट लाइफ टाइम में थॉट ये रही थी कि आपने किसी का हाथ काटा था या आपने किसी का नुकसान पहुंचाया था। अब देखिए, कायदे से तो आपका भी कुछ हाथ का डैमेज होना चाहिए, क्योंकि आपने किसी को किया है डैमेज, लेकिन आप खुद से तो करेंगे नहीं, इसीलिए आपके एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स क्यों आते हैं आपके ऊपर? क्योंकि आप उस चीज़ को खुद से नहीं अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट करेंगे, खुद से अपना हाथ नहीं काट लेंगे, खुद से अपनी टांग नहीं काट लेंगे, खुद से ब्लाइंड नहीं हो जाएंगे, तो वो एक्सीडेंटली आपके साथ हो जाता है, आपके साथ कोई चीज़ कर गुजरती है, तो वो इस तरह से आपके एक्सीडेंट्स होते हैं, अनफोर्सिन एक्सीडेंट्स। वो थॉट चुप था, बिल्कुल इनविजिबल प्लेन पे था, कब विजिबल होता है? जब इस फॉर्म में प्रकट होता है वो। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड्स थॉट को रीपे करना ही पड़ता है, नहीं तो ये थॉट्स आपके शरीर में डिसीज कॉज करती हैं। देखिए,
आपको अगर बहुत जेलसी के थॉट्स हैं, बहुत आपको किसी से जलन है, किसी से ईर्ष्या है, तो ये थॉट्स आपके कौन से सिस्टम में रहेंगी? ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहेंगी और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स होंगी। आपको बहुत लालच है, चीज़ें आपको और चाहिए। अब ये गलत थॉट्स कहाँ जाएंगी? बहुत मज़े की बात है ये फ्रेंड्स, ये गलत थॉट्स कहाँ जाएंगी? ये थॉट्स जाएंगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में और उसको ख़राब करेंगे। अब ये जो थॉट्स, जो भी आपको डिसीज आया है, वो आपकी थॉट्स हैं, इकट्ठी हुई हुई आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। इनिशियली क्या होता है कि आपको एक पस वाले दाने की फॉर्म में वो दिखाई देंगी, उसके बाद वो कैंसरस ग्रोथ की फॉर्म में दिखाई देंगी, अल्सर्स की फॉर्म में दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी थॉट्स ही हैं जो डिसीज़ बनकर आती है हमारी बॉडी पे। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? आज के समय में हम जानते हैं कि हमारे गलत थॉट्स ने ही सब कुछ क्रिएट किया है। हम कितने अमेजिंग टाइम्स में रह रहे हैं, हम कितनी अमेजिंग PMC के साथ जुड़े हुए हैं कि हमारे तक ये हाईएस्ट नॉलेज पहुंच पाई है। अपने थॉट्स के प्रति सजग हो जाइए और अपनी जो खुद का डेस्टिनी है उसके खुद एक सृष्टिकर्ता बन जाइए, एक सृजनकर्ता बन जाइए। आफ्टर ऑल पत्री सर हमको PMC में सबको बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, आई एम गॉड एंड सो आर यू। तो फ्रेंड्स, फिर तो हम सभी सृष्टिकर्ता हैं। कैसे बन सकते हैं, कैसे खुद को एम्पावर कर सकते हैं? आप अपनी थॉट्स पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। यूं तो सर ने हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स सिखाए हैं, वाक क्षेत्र और थॉट हमारे मेन एरियाज ऑफ फोकस एंड कंसर्न रहने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब ग्लोरियस सृष्टिकर्ता बने, एक ग्लोरियस फ्यूचर के, एक ग्लोरियस अर्थ के, मैं इस एपिसोड का अंत करती हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद डियर फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।